पीछे आप देख रहे हैं ये माता मंदिर। अभी हम उसके अंदर जाते हैं और आपको यहाँ की पूरी कहानी बताते हैं। तन्नोट माता मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने करीब 3000 तोप के गोले इस मंदिर के आसपास दागे थे, जिसमें से 1450 तोप के गोले इस मंदिर परिसर में गिरे थे, लेकिन माता की ऐसी कृपा थी कि उनमें से एक भी गोला नहीं फटा और इस मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। ये मंदिर का मुख्य प्रांगण है जो कि ये सारा मंदिर आर्मी की देखरेख में कार्य होता है। इस मंदिर में यहाँ का जो संध्या की आरती है वो भी आर्मी के द्वारा की जाती है। ये माता का मुख्य दरबार तन्नोट माता मंदिर का, उनकी आरती का यहाँ बताते हैं कि आर्मी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ शाम की आरती की जाती है, देखने लायक होती है। जो कि ये कुछ तोप के गोले हैं जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दागे थे और इनमें से कोई भी तोप का गोला फटा नहीं था, तो इस मंदिर में अभी रखे गए हैं। इसके अलावा इन शूरवीरों की यहाँ तस्वीरें रखी गई है जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। ये उनकी तस्वीरें हैं जो इस मंदिर के प्रांगण में रखी गई है। ये मंदिर का मुख्य प्रांगण ये सब मन्नत के रुमाल हैं, मंदिर मन्नत की चुनरी है, तो भी अगर आप यहाँ मन्नत मांगते हो तो पूरी हो जाती है। उसके बाद जो लड़का है वो वाइट रंग का रुमाल बांधता है और जो भी महिलाएं होती है जो कुछ मन्नत मांगती है तो ये चुनरी बांधती है। जैसे कि पूरा मंदिर अभी चुन्नियों से भरा हुआ है और रुमाल से भरा हुआ है। ये सारा सम का एरिया, सम डेजर्ट जहाँ सारी कैमल सफारी होती है, पीछे हमारे सारे कैंप हैं। सूरज अभी अस्त होता हुआ, शाम का समय 6 बज रहे हैं अभी। द मोमेंट ऑफ सनसेट एंड द मोमेंट ऑफ कैमल सफारी, सुहाना सफर। अभी हमारे ऊंट का नाम माइकल जैक्सन, तो अभी हम पहुंच गए हैं सम और ये आज हमारी अरेंजमेंट है। DDS कैंप सम में आज अरेंजमेंट है हमारी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पूरा टेंट एरिया है और बीच में प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा स्टेज बना रखा है जहाँ रात को छोटा मोटा फोक सिंगर्स आएंगे जो यहाँ के
फोक सॉन्ग्स गाएंगे। और 121 टेंट आज वो अलॉट हुआ है, तो बस हम अंदर ही जा रहे हैं। ये हमारा टेंट रहेगा रात के लिए। दो चेयर्स, लालटेन, तीन बेड, और हाँ अगर आपको बाथरूम जाना है तो ये लालटेन साथ में लेके जानी पड़ेगी, अंदर सब दे रहा है अंदर। तो आज रात का आशियाना हमारा यही है टेंट, तो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं और रात के कार्यक्रम के लिए चलते हैं बाहर। फिर तो अब हम पहुंच गए हैं ये जैसलमेर फोर्ट, जिसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी। अब हम वहाँ पहुंच गए हैं, अभी अब इस फोर्ट के अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या है, एक्सप्लोर करते हैं आगे फोर्ट के अंदर जाके। ये नज़ारा फोर्ट का, फोर्ट के बिल्कुल टॉप पॉइंट से, यहाँ से पूरी जैसलमेर सिटी दिखती है। अभी हम पहुँच गए हैं जैसलमेर वॉर मेमोरियल, जैसे कि मैं 360 पाकिस्तान के टैंक है जो इंडियन आर्मी कैप्चर करके यहाँ ले आई थी।